तो आज कुछ यूनिक करेंगे। ये है गणेश भेल, जो आउट ऑफ इंडिया मतलब दुबई ऐसी जगह भेजते हैं ये लोग, और बहुत ही अमेजिंग पैकिंग है। इसके अंदर पानी पूरी का पूरा सेट है, तो आज हम इसको रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगी। इसमें टेप भी होता है जो कि मैंने निकाल दिया, मैं कि थोड़ा जल्दी में थी। इसके बाद अब मैं इसको खोल लूँगी। तो मैंने सारे बोल्स ले लिए जो जो मुझे डालना है, और स्पून भी लिए। तो सबसे पहले इसमें बड़ा सा पैकेट है जो कि पानी पूरी है, ओके। उसके बाद इसमें है आई थिंक ड्राई, कुछ तो ड्राई है, खोलेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद इसमें टू टाइप्स की चटनी है, आई थिंक ये इमली की चटनी है और ये तीखी वाली चटनी है। उसके बाद इसमें है एक और पैकेट हंडी मसाला, तो आप इसको शायद पानी में मिक्स कर सकते हैं। सो वन बाय वन अब इसको खोलते हैं, क्योंकि इसमें खोलने का बहुत ही ईजी ऑप्शन है। अगर आपको सीजर से भी खोलना है सीजर से खोल सकते हैं, बट आई थिंक ये पैकेट बहुत कंपैटिबली पैक किए हुए हैं, सो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं खोलने की। तो सबसे पहले ये वाला पैकेट जो हम गेस कर रहे थे, इसमें कुछ तो है, इसमें लिखा है सॉल्टी बूंदी, सो इस पर लिखा है बूंदी, आपके लिए ईजी भी होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे करके खोल लेती हूँ। मैं पैकेट को कभी भी पूरा नहीं फाड़ती हूँ, बिकॉज रिसाइकलिंग में इससे इशू होता है। सो आपको आ रहा है तो आपको अच्छे से यूज़ करना है। मैं इसको खोल के, थोड़ा मशक्कत लग रहा है गाइस, ओके। सो अब मैं इसको बोल में निकाल देती हूँ, ओके। सो ये बूंदी कुछ ऐसी है, ओके, नाइस इंटरेस्टिंग। अरे बड़ी तो अच्छी है, तो दही में भी डाल के खा सकते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। पहला हमने ये निकाल लिया, और अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद मैं इसमें, ये है इमली चटनी, अब इसको खोलना थोड़ा मुझे लगा, लेकिन मैंने नोटिस किया इसको भी बहुत ही अच्छा पैकेजिंग दिया हुआ है। सो आउट ऑफ इंडिया आपको इजी है कैरी करना, एयरपोर्ट पे भी खाना, या आप कहीं ट्रिप्स पे जा रहे हो तो भी बहुत अच्छा है ये। ये है इमली का चटनी, मैं पूरी नहीं निकालूंगी, मुझे जितना ज़रूरत है मैंने उतना निकाला, ओके। सो दिस लुक्स वेरी गुड कंसिस्टेंसी, तो टेस्ट करते हैं, वेरी नाइस इट्स। ये हो गया, अब थर्ड हम निकालेंगे ये, तो आई थिंक ये हरी चटनी है, इसका लिखा नहीं है बट आई एम गेसिंग ये हरी चटनी है। इसका भी पैकेट है, बहुत पोर्टेबल है यूज़ करना, ये कट नहीं रहा है, तो आई विल यूज़ द सीजर, ओके। यस, सो दिस इज़ द हरी चटनी। अब शायद इसमें हमें पानी डालना है, और अगर आपको ना समझ आए तो आई थिंक इन लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ दिया हुआ है कि आप इसको कैसे बना सकते हो। तो पानी डालने के बाद ये ग्रीन चटनी कुछ ऐसी दिख रही है, ओके। एंड ये जो हंडी मसाला है, ये उसका ड्राई मसाला है, क्योंकि इसको कट करने का जरूरत, मैं सीजर इस्तेमाल कर रही हूँ, ओके। और क्योंकि मैंने पूरा नहीं डाला है, तो मैं अपनी डिज़ायर क्वान्टिटी में डालूँगी, ओके। एंड आई फील दिस इज, यस दिस टर्न्स आउट टू बी रियली अमेजिंग। मैं जस्ट टेक्सचर शो करती हूँ आपको, आई थिंक ये बहुत अच्छा हुआ है, थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली वॉट इंडियन लाइक्स पानी पूरी। सो मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर लूँगी, और ये जो मसाला बचा है ये आप नॉर्मली भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। ये हो गया, अब द मेन द पूरीज, एंड आई फाउंड इट रियली गुड कन्वीनियंट पैकेजिंग, ओके। सो आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से पूरीज हैं, एक ही सिर्फ टूटी है, वो भी आई थिंक आप मैश करके इसमें डाल दो, जो हम पानी के टाइम खा सकते हैं, या फिर अगर आपने आलू लिया है तो आलू में मैश कर दो, एंड इट्स अ गुड ऑप्शन। तो अब मैं पूरी इसको बोल में निकाल लेती हूँ। आई एम रियली इम्प्रेस विद देयर क्वालिटी, क्रिस्प है, आई कैन, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत ही क्रिस्प है। और जो थोड़ा बहुत टूटा है, तो ट्रांजिट में एक दो टूटना इज नॉर्मल, सो वो आप हमेशा आलू में मिक्स कर सकते हो, या जिसके साथ भी आप नॉर्मली खाना चाहते हो। और सी दिस क्रिस्पी, और इसका ये बॉक्स है, आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने पूरी टूटी हुई थी थोड़ी, बट इट इज़ मैनेजेबल टू ईट। सबसे पहले मैंने क्या करूँगी, नॉर्मली इस बूंदी को पानी में मिक्स कर लेंगे। और गाइज एक बेस्ट पार्ट है, मुझे कोई नमक या एडिशनल कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इसमें नमक का टेस्ट वॉज एब्सोल्युटली बैंग ऑन। इसमें भी कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे लगा कि मैं आलू अपने आप घर पे मैश करके बना सकती हूँ। सो ये है पूरी,
अगर आपको मीठा वाला मसाला खाना है तो आप इमली का डाल सकते हो, हम मिक्स वाला डालते हैं। ओके, दिस इज द प्लेट। सो दिस हाउ योर पानी पूरी विल लुक इन दुबई। सो दिस एग्जैक्टली, लेट्स हैव। आई डोंट लाइक मीठा मच, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और फ्रेंकली हाईली रिकमेंडेड। इफ यू ट्रैवलिंग इजिली कैरी कर सकते हो और आपको मिल भी जाएगा दुबई में, और आई थिंक यू शुड एटलीस्ट ट्राई वंस इवन इफ यू आर इन पुणे। एनी वेयर ट्राई इट दिस गणेश भेल, एंड उनके बहुत सारे वेरिएशन प्रोडक्ट है, मैंने तो सिर्फ पानी पूरी ट्राई किया है। अगर आप कमेंट करके बताओ मैं उनके नेक्स्ट प्रोडक्ट को रिव्यू करूँ कि नहीं। तो इन्जॉय।